दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा, क्योंकि एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है जो कि छोटी सी छोटी चीजों को भी बड़ा करके दिखा सकती है, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आती। लेकिन इन्हीं चीजों को जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बहुत आसानी से दिख जाते हैं। जैसे कि आपने दही के बारे में तो सुना ही होगा कि दही में बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से मदद से ये कुछ बैक्टीरिया भी आसानी से दिख जाते हैं। और कभी ना कभी आपने इंजेक्शन तो जरूर लगाए होंगे, या फिर मच्छर तो आपको रोज काटते होंगे, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद या फिर मच्छर काटने पर आपके स्किन कैसा दिखता है? अगर नहीं देखे हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिन चीजों को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। तो पहले है बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिसका यूज आपने भी किया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, या फिर माइक्रोस्कोप से जूम करने पर ये पेन एक्चुअली दिखता कैसे है? जब माइक्रोस्कोप के नीचे पेन को जूम करके देखते हैं तो उसकी निब के आगे छोटी सी बल्ब लगा होता है, जो कि बिल्कुल गोली की तरह दिखता है, जिससे लिखते वक्त पेन के चलने के साथ साथ यह भी घूमती है। पर इसका घूमना हमारे आंखों से नजर नहीं आता, और जब भी हम किसी कागज पर पेन से लिखते हैं तो इसी बल्ब के घूमने से पेन का इंक कागज पर आता है और हमें कंटिन्यू लाइनिंग दिखता है। इसीलिए इसका नाम बॉल पेन है, क्योंकि बिना बल्ब के पेन चलेगा ही नहीं। तो देखा आपने इतने बड़े पेन में इस छोटी सी बल्ब का कितना अहमियत है। नेक्स्ट है कोरोना वायरस ऑन मास्क। दोस्तों, कोरोना वायरस को भला कौन नहीं जानता। इसने पिछले कई सालों से पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखा है, इसीलिए आज भी हर कोई मास्क लगा के चलता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोरोना वायरस आखिर दिखता कैसा है? इसका टेस्ट करने के लिए एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का मास्क लेकर माइक्रोस्कोप में देखा गया, जिसमें जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस होगा। तो मास्क में वायरस ढूंढने के लिए जब माइक्रोस्कोप के नीचे मास्क को रखा गया और इंतहाई गहराई तक जूम करता गया, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में तब जाकर कहीं एंड में वायरस और जर्म्स दिखने लगा, जो कि बिल्कुल डरावनी सी लग रही थी। मोबाइल स्क्रीन कलर। गैस, मोबाइल का यूज तो हम रोजाना करते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि मोबाइल में डिस्प्ले आखिर आता कैसे है? इसके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर जब एक हाईटेक माइक्रोस्कोप से देखा गया और जब स्क्रीन पर माइक्रोस्कोप के मदद से इंतहाई जूम किया, तब पिक्चर फटने लगी, जैसे कि अभी इस क्रोम ब्राउजर का हाल देख रहे हैं। जब जब इसे जूम किया जाता है तो ये उतनी ही बार छोटे छोटे पार्टिकल्स में बिखरते जाते हैं, फिर एंड में तब कहीं जाकर डिस्प्ले की राज खुलता है, क्योंकि लास्ट में सिर्फ छोटे छोटे कलरफुल बक्स ही नजर आते हैं, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, जिसमें सिर्फ तीन कलर ही दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, यानी आरजीबी कलर होता है। और इन्हीं तीनों कलर के मिल जाने से बाकी कलर भी दिखाई देते हैं, तब जाकर कहीं हम एक परफेक्ट इमेज देख पाते हैं। तो आपके घर में जितने भी डिस्प्ले एसेसरीज है, जैसे कि टीवी, एलईडी, मोबाइल, इन सभी चीजों में पिक्सल के मदद से ही पिक्चर आते हैं। तो देखा आपने छोटा सा पिक्सल का कमाल, जो हजारों में मिल जाते हैं तो क्या से क्या बन जाता है। तो नेक्स्ट है ह्यूमन स्किन। अब हम देखते हैं अपनी खुद की स्किन को, आखिर माइक्रोस्कोप के नीचे हमारे स्किन दिखता कैसा है। जब ह्यूमन स्किन को हम माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करके देखते हैं, तब हमारे स्किन पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देता है, जो कि हम अपने नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और जब भी माइक्रोस्कोप को बहुत ज्यादा जूम करते हैं, तब हम अपने शरीर से उभर रहे पसीने को भी देख सकते हैं, जो कुछ इस तरह से निकल रहा है। इंजेक्शंस इंटर द बॉडी। गाइस, इंजेक्शन लगवाना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि नीडल जब हमारे स्किन में जाते हैं तो जान एक बार हलक में आ जाती है। फिर भी आपने कभी ना कभी इंजेक्शन तो लगवाए ही होंगे, नहीं तो मच्छर आपको रोज काटता ही होगा। दोनों ही केस में नीडल हमारे स्किन में घुसते हैं, और इसी छोटी सी नीडल को जब माइक्रोस्कोप के मदद से देखा जाता है तो कितना बड़ा लग रहा है, ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जब शरीर से निकाले जाते हैं, तब हमारे स्किन पर कुछ इस तरह के निशान बन जाते हैं, जैसे कि मानो किसी ने आकर गड्ढा कर दिया हो। अब नेक्स्ट है ह्यूमन बोन्स। जब स्किन की बात चली चुका है तो हम अपने बोन्स को भी देख ही लेते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा जो हड्डियां हमारे बॉडी में है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जब आप अपने बोन्स को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो यकीनन आप शॉक हो जाएंगे। जी हाँ, बोन्स अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो बोन्स के अंदर बहुत सारी खोखले जगह दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको पता था, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो आपने जान लिया कि बोन्स आखिर खोखले ही होते हैं, पर यह सिर्फ आपको माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देंगे, ना कि आपके नॉर्मल आंखों से। बोन खोखले होने के बाद भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तभी तो हम खड़े हैं और टफ एंड हैवी काम भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है वेलक्रो टेप।
दोस्तों जूतों पर लगे इस मैजिकल टेप के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो चिपकाने में बहुत ज्यादा आसान होते हैं। न सिर्फ जूतों में बल्कि कपड़े और बहुत सारी चीजों में भी लगे होते हैं, जिसे चिपकाने के बाद उखाड़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। बल्कि आपने कभी गौर किया है कि ये टेप आखिर चिपकता कैसे है? इसे चेक करने के लिए जब माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो पता चला इस टेप के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे हुक्स लगे हैं और ऊपर वाले पार्ट्स में रेशेदार धागे, जो एक दूसरे से कंटेक्ट में आते ही ये हुक्स इन रेशों में फंस जाता है और अपना मजबूती बना लेता है। फिर उखाड़ने पर ये हुक्स इन रेशों से अलग हो जाता है और धीरे से आवाज भी निकलता है, जो रियली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। पीकॉक फीदर। दोस्तों बचपन में आपने मोर के पंख किताबों में जरूर रखा होगा, कुछ याद आया? लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ये कैसा दिखता है, कभी आपने सोचा है? जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे पंख को देखा जाता है तो पहली दफा ये एक धागे जैसा लगता है, फिर और ज्यादा जूम करने पर बहुत सारे कलर पैटर्न्स दिखाई देता है और इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से नजर आता है जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मानो किसी ने बड़ी ही फुर्सत से बनाई हो, जो प्रूफ करता है कि मोर की पंख सच में बहुत खूबसूरत होता है और इस खूबसूरती का सारा ठेका मोर ने ही उठा रखी है। दोस्तों अगर आपके बचपना याद आ गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो नेक्स्ट है सैंड। दोस्तों रेत को नॉर्मली हाथों से देखने पर सभी छोटे छोटे पार्टिकल एक समान लगता है, लेकिन क्या ये सच है? जब आप रेत को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मुट्ठी भर रेत में कीमती पत्थरों और जर्रात शामिल है, जो बिल्कुल मोती की तरह लगता है, जिसे जूम करने पर हर साइज और हर रंग के पत्थर देखने को मिलेंगे, जबकि इसमें मिट्टी और रेती होते हैं, लेकिन दिखने में इतने खूबसूरत लगते हैं कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सच में रेती है। फिंगरप्रिंट। गाइस हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल बिना फिंगरप्रिंट के मोबाइल भी नहीं खुलते, मजाल है कि कोई इसे खोल ले। वेल क्या आपने कभी सोचा है कि थंब को माइक्रोस्कोप में देखने पर कैसा लगेगा, या फिर दुनिया में सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग क्यों होते हैं, किसी से भी किसी का मैच क्यों नहीं होता? तो जब अंगूठों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फिंगरप्रिंट के लाइनिंग क्लियरली दिखाई देने लगा, जिसे पसीना भी निकल रहा था, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो। फिर और ज्यादा जूम करने पर खुबड़ खाबड़ पॉइंट भी दिखाई दिया, और यही वो पॉइंट है जो किसी से भी किसी का मैच नहीं होता और फिंगरप्रिंट यूनिक हो जाते हैं। नेक्स्ट है शार्क स्किन। गाइज शार्क कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये तो आप जानते ही होंगे। जब इसके स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड नजर आ रहा था। पहले नजर में ये पत्थर के तरह लग रहा था, लेकिन और जूम किया तो इसके पूरे बॉडी पर कुछ इस तरह के नुकीले पैटर्न्स बने हुए थे और ये शार्क के स्किन पर कांटे के तरह लग रहा था, जैसे कि मानो कोई खतरनाक हथियार हो। कुकिंग साल्ट। गाइज हमारे लाइफ में नमक कितना इम्पोर्टेंट है ये तो आप जानते ही होंगे, जिसके बिना कोई भी खाना इनकम्प्लीट ही रहता है। लेकिन क्या होगा जब इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे? आमतौर पर साल्ट हमें सफेद दिखते हैं, पर जब इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, इस सफेद साल्ट को और ज्यादा जूम करने पर इसके कलर ब्लू दिखाई देते हैं, जो रियली शॉकिंग है। भला कोई साल्ट ब्लू कैसे हो सकता है? लेकिन साल्ट एक्चुअली ब्लू ही होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। गाइज जब आपके हाथों में कांटा चुभ जाते हैं तो आमतौर पर बहुत दर्द होता है और ये कांटा कई बार आंखों से दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जब इसे माइक्रोस्कोप के मदद से जूम करके देखेंगे तो घाव कुछ इस तरह से दिखता है। तो माइक्रोस्कोप के मदद से देखने पर ये छोटी सी घाव कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखाई देता है और उसमें फंसे कांटे भी नजर आते हैं। अब इस नुकीले सुई के मदद से जब कांटे को निकाले जाते हैं तब आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दर्द होता होगा, लेकिन घाव की ऊपरी हिस्सों पर थोड़ी सी खाल को ही हटाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल पेनलेस होते हैं। अब बात करते हैं दही के बारे में। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि यह बैक्टीरिया दिखता कैसा है? तो जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा गया और जूम किया तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैक्टीरिया मूव होते हुए दिखाई दे रहे थे। यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही के अंदर पाए जाते हैं और दही को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया की नाम सुनते ही आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो फिर ज्यादातर लोग दही क्यों खाते हैं? तो आपको बता दूं कि ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ ये बात अलग है कि कभी कभार सर्दी जुकाम हो जाता है, पर हार्मफुल नहीं होते। दोस्तों आप में से दही खाना कौन कौन पसंद करते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि फिर मिल सके हम किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।